नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप पिछला वीडियो अच्छे से देखे होंगे। ठीक है, आज क्या है, आज क्या आप देखने वाले हो? चुंबकत्व और द्रव्य वाले चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, यदि आप पिछले दो वीडियोज अच्छे से देखे होंगे तो आज का जितना भी हम बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाले हैं आप देखते ही आप आंसर दे देंगे। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं या आपको पहले से किसी और माध्यम से पढ़ाई नहीं किए हैं तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आज का जो भी बहुविकल्पी प्रश्न होने वाला है वो टोटली थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। ठीक, क्वेश्चंस को पढ़ना है, पढ़ करके डायरेक्ट उसका आंसर देना है। तो डायरेक्ट आप आंसर तभी दे पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मीन्स वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़े होंगे। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियोज को अच्छे से देख लें चुंबकीय पदार्थों के बारे में, जहां हम आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, इन तीनों की परिभाषा बताए हैं, इन तीनों का एग्जाम्पल बताए हैं, इनकी विशेषता बताए हैं और इन तीनों में अंतर बताए हैं। ठीक है, उन्हीं सब में से थोड़ा सा ट्विस्ट निकाल करके आज आपके सामने कुछ बहुविकल्पी प्रश्न रखते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखे जाते हैं, वही क्वेश्चन आपको लेके आए हैं जो किसी न किसी वर्ष में बोर्ड पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें से यदि आप कोई बहुविकल्पी प्रश्न आएगा जिसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो आप वीडियो देखने के बाद उस कॉन्सेप्ट को अपने बुक से क्लियर कर लेंगे। एक टैगलाइन ये है, आप नई नई चीजें पढ़ने से अच्छा है कि आप पुरानी चीजों को पढ़ें। ठीक है, नई नई चीजें पढ़ने से अच्छा है कि आप पुरानी चीजों को पढ़ें। जब पुरानी चीजें आपको तैयार रहेंगी तो नई चीजें अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे। होता क्या है, बच्चे आगे आगे पढ़ते चले जाते हैं और पीछे की चीजें भूलते चले जाते हैं। ह्यूमन नेचर है, हम भी भूलते हैं, सबको ही भूलता है। जब हम आगे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पीछे की चीजें हमें भूल जाती हैं। ठीक है, लेकिन उसका तरीका क्या है, हम उसका कुछ टाइम के बाद हम रिवीजन करते रहें। जब हम रिवीजन करते रहेंगे पीछे वाले टॉपिक का तो वो टॉपिक हमें हमेशा तैयार रहेंगे और आगे वाले टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक, यदि आप केवल आगे वाले टॉपिक ही पढ़ते चले गए, पिछला तो भूलेगा ये श्योर है, और पिछला आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो रिवीजन करने में यदि आपका बहुत ज़्यादा समय हो जाता है तो फिर आपको उसे पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? ठीक, डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? यदि आपको डोमेन के बारे में नहीं पता है तो आप एक बार इसे अपने बुक से पढ़ लेंगे। ठीक है, कि डोमेन क्या है, डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं। हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं कि डोमेन जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं। इसमें चार ऑप्शन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और इनमें से सभी। ठीक है, तो डोमेन आपका किसमें बनता है, लौह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। ठीक है, क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक, चुंबकीय प्रवृत्ति हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, काई एम। कह रहा है चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम का मान कम परंतु धनात्मक होता है, कम परंतु धनात्मक होता है। किन पदार्थों के लिए, चार ऑप्शन है, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, सभी पदार्थों के लिए। ठीक है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, अधिक होते हैं और धनात्मक होते हैं, समझ गए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, काई एम का मान कम होता है और ऋणात्मक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, कम होता है परंतु धनात्मक होता है। मतलब इसका पहला ऑप्शन क्या है, सही है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। वह कौन सा पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है? ठीक है, पदार्थों के बारे में जब हम लोग पढ़े थे तो वहां हम आपको बता रखे थे कि जब कोई पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा से चुंबकित होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से ही चुंबकित होते हैं, मतलब दिशा में ही चुंबकित होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं।
ठीक है, तो विरोध कौन कर रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा से चुंबकित हो रहा है। मतलब यदि उस पदार्थ को हम किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप ले जाएंगे तो क्या होगा, उसमें प्रतिकर्षण होगा, मतलब वो पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ऐसा कौन सा पदार्थ होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है ना बच्चों, आपको हम पिछले वीडियो में ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं। क्या कह रहे हैं, वह कौन सा पदार्थ है जो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। तो इसमें चार ऑप्शन है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय या सभी पदार्थ। ठीक है, प्रतिचुंबकीय एक ऐसा चुंबकीय पदार्थ है जो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, यदि E तथा H क्रमशः वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं तो E बटे H का मात्रक होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र जो आपका E होता है ये होता है F बटे Q, और एक चैप्टर में आपको हम बताए थे V बटे T। तो इसके हिसाब से यदि हम मात्रक निकालते हैं तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम, बल का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक क्या, कूलाम। और इसके हिसाब से जो मात्रक होगा वो होगा वोल्ट बटे मीटर। बी का मात्रक होता है वोल्ट और डी का मात्रक क्या होता है, मीटर। बात क्लियर। फिर कह रहा है एच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, मतलब एच का जो मात्रक होता है, ठीक है, वो आपका होता है, पिछले वीडियो में हम डिटेल में इसको पढ़ाए हैं, एम्पियर बटे मीटर। क्या होता है, एम्पियर बटे मीटर। तो अब हम ई बटे एच का मात्रक निकालेंगे, मतलब क्या, ई का मात्रक बटे एच का मात्रक। क्लियर, तो ई का मात्रक अभी आप देखो इसमें न्यूटन है, न्यूटन का कहीं जिक्र नहीं है, एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है, जूल है, इस वाले मात्रक को हम अप्लाई नहीं करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। क्या है ये, वोल्ट बटे मीटर, और नीचे क्या है, एच का मात्रक है एम्पियर बटे मीटर। क्लियर बात। अब आप इसको लिख लेते हैं वोल्ट बटे मीटर, और ये मीटर आपका ऊपर चला गया तो मीटर बटे हो जाएगा एम्पियर। क्लियर, मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आपका आ गया वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का, और एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का। ठीक, तो वी बटे आई को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। वी बटे आई को हम क्या बोलते हैं, आर, क्योंकि ओम का नियम आप जानते हो क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, आई आर। क्लियर, और आई को आप इधर करते हो तो वी बटे आई बराबर क्या हो जाएगा, आर, और आर क्या है, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक, तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक है, आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, म्यू आर का जो मान होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए एक से कम होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए एक से अधिक होता है, और लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए एक से बहुत अधिक होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 0.9999 है तो इसकी प्रकृति है। ठीक है, तो आपेक्षिक चुंबकशीलता जो आपका दे रखा है 0.9999, ये क्या है, एक से कम है। तो एक से कम किसकी होती है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है,
कि अनुचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होता है। अभी हम क्या बताएं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है वो एक से कम होती है, ठीक। अनुचुंबकीय पदार्थ की एक से अधिक होती है और लौह चुंबकीय पदार्थ का एक से बहुत अधिक होता है। क्लियर बात। तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या है, जीरो, एक से अधिक है, एक से कम है और एक है, तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। कौन सा आंसर सही होगा, दूसरा आंसर, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर, सेम क्वेश्चन है, तीनों पदार्थ के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। क्या है इसका, लौह चुंबकीय पदार्थ का जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है वह एक से बहुत अधिक होता है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपके बोर्ड पेपर में मिले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल के किसी किसी पेपर सेट में इन तीनों में से क्वेश्चन जरूर मिलता है। चलिए तीन और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये तीनों इस टॉपिक के क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अच्छी धातु है, ठीक है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो सबसे अच्छी धातु है वो है निकिल। बात क्लियर। विद्युत चुंबक वाले आप टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ होने चाहिए उच्च धारणशीलता तथा उच्च निग्राह्यता, निम्न धारणशीलता तथा उच्च निग्राह्यता, उच्च धारणशीलता तथा निम्न निग्राह्यता, निम्न धारणशीलता तथा निम्न निग्राह्यता, तो आपका यह चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं, आप सभी को पता है उसे हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। ये आपका इस चैप्टर का दूसरा बहुविकल्पी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम उम्मीद करते हैं आप पिछले वीडियोज को भी अच्छे से देखे होंगे और आपको बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही आगे भी हर एक चैप्टर का हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी सॉल्व कराएंगे। आपका काम बस ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलें, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न और सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को तैयार करते चलें, ताकि एग्जाम में आपका किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। होता क्या है, एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, उनको उसका आंसर याद रहता है बट वो क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखना है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन सीधा सीधा नो पूछ करके थोड़ा स्टेप उसमें घुमा देगा, ठीक है। तो घुमा हुआ क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जो आपका सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ है उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है और वो पढ़ाई के वक्त ही न्यूमेरिकल और बहुविकल्पी प्रश्न और सारे डेरिवेशन को सॉल्व किए हैं, ठीक है। आप एग्जाम के टाइम पे होता क्या है, आप साल भर जो कुछ भी पढ़े हुए हैं उसे छोड़ करके कोई क्वेश्चन बैंक उठा लेते हैं और रटना प्रारंभ कर देते हैं, और जिस हिसाब से आप रटे हैं यदि उस हिसाब से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलता है तो आप कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत लिख करके चले आते हैं, ठीक है। तो इस चैनल पे जुड़ने वाले सभी बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, एक एक टॉपिक को एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, डेरिवेशन सॉल्व करेंगे और एग्जाम में जाकर के सारा का सारा क्वेश्चन फोड़ करके आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख करके जितने भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं उन सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल और बहुविकल्पी प्रश्न को जरूर सॉल्व कर लें, ठीक है। नमस्कार।